न्याय मिल सके, और नहीं नहीं न्याय मिला तो हम हिंसा की तरफ भी जाएंगे। लापरवाही पे लापरवाही तो होती है, जब ही तो बेटी खो दिया। ये अंधकार नहीं है तो क्या है? ये विक्की सांसी, ऋषि सांसी, जब तक फांसी नहीं मिलेगी अब तक वो बैठेंगे नहीं, तो उनका फांसी लगनी चाहिए। पुलिस प्रशासन मैडम सो ही रही थी, इसी मारे तो अब कैंडल मार्च निकालना पड़ा हमारे को। पहले मारा, आज से 4-5 महीने हो गए जब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं उठाया, अब बिल्कुल खत्म कर दिया मेरी पोती को। जब कोई एक्शन नहीं उठा रहे, आज 10 दिन हो गए मेरी पोती को मरे को, किसी पुलिस वाले ने अर्जेंट नहीं करा। हमारी आगे रबी नगर की पुलिस नाकाम है, निकम्मी है, कुछ नहीं करती है, पैसे खाती है। कानून व्यवस्था हमेशा सबके दायरे में रहती है, कानून अपना अगर सही से काम करता तो यह बेटी आज उनके बीच में उनके हाथों में होती। फरार हैं, सादे के सादे फरार हैं, जमाई भी है, बेटी भी है और चारों भाई और उनके सारे दोषी फरार हैं। पुलिस ने कोई भी अपना काम नहीं दिखा रही। अब भी कहा जा रहा है कि आरोपी को तो पकड़ लिया गया था, सब दिखावा है, सब दिखावा। परिवार लगता है कि अभी तक आरोपी को नहीं पकड़ा गया। परिवार को पकड़ो ना, परिवार कहाँ गया, वो छुपके बैठा हुआ है, सारी चीजें उनके पास है। पुलिस की तरफ से क्या बताया गया, गाड़ी में कितने लोग थे, क्या इसका खुलासा हो पाया? कुछ नहीं खुलासा हो पाया। CBI की जांच करवाना चाहती हूँ मैं, CBI को दिया जाए मेरा फैसला, मेरा जो बेटी का जो भी चल रहा है केस पुलिस कुछ काम नहीं करेगी, मगर मेरे को CBI जांच करानी है। CBI की मांग रखती हूँ मैं, CBI की जांच करवानी है। 5 दिन हो गए इस घटना को, पुलिस कहाँ तक पहुँची है? कुछ नहीं कर रही है पुलिस, कुछ भी नहीं कर रही, दोषी के घर पे बैठ। पुलिस लापरवाही कर रही है, कुछ काम नहीं कर रही। लापरवाही पे लापरवाही तो होती है, जब ही तो बेटी खो दिया। परिवार को अभी भी धमकी मिल रही है? हाँ, धमकी मिल रही है बराबर। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी घटना जो है दिल्ली में घट गई? देखो जी, ये सिर्फ एक गंदी मानसिकता है, और ऐसे व्यक्ति को जो लड़कियों के साथ इस तरीके से व्यवहार करते आ रहे हैं और करते कर रहे हैं, उनको सिर्फ फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। आपको नहीं लगता कि इससे पुलिस की भी बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली? लापरवाही दिख रही है जी, पूरी लापरवाही है। नहीं, अभी तक लड़का कैसे बाहर है? अब तक तो या तो उसके परिवार को उठा के बिठाओ, परिवार को बंद करो, लड़का अपने आप आएगा। पहले भी परिवार की तरफ से जो है शिकायत लगाई गई थी, वो सुरक्षा की मांग कर रहे थे कि पुलिस की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं मिली। कोई सुरक्षा की मांग नहीं है, उन्होंने जान के भगाया हुआ है लड़का, इसमें पूरा परिवार इनका इन्वॉल्व है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन चल रहा है, क्या लगता है आपको कि आगे चलकर लोगों को न्याय मिल पाएगा? हमारी पूरी कोशिश है, जिस तरीके से पूरा समाज खड़ा हो गया है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि न्याय मिल सके, और नहीं नहीं न्याय मिला तो हम हिंसा की तरफ भी जाएंगे। गोली उठाने के समय पर अर्थी उठानी पड़ रही है सर, क्या दोषियों को फांसी दो, दोषियों जागी नहीं है अभी भी पुलिस, कुछ अभी तक सो रही है, आरोपी को पकड़ा नहीं है। ऋषि सांसी, विक्की सांसी, जोनी सांसी, इनको पुलिस पकड़ नहीं रही है। ये अंधकार नहीं है तो क्या है? ये विक्की सांसी, ऋषि सांसी, जो उसका जोनी, ये अंधकार नहीं होगा। अभी पुलिस नहीं उठ रही है, अभी पुलिस नहीं जग रही है। आप सब देखो भाइयों, आप सब देखो, था जिसने हत्या को अंजाम दिया उसको जैसे एक तरीके से पति बताया जा रहा था, उस पर क्या पति नहीं है, वो रेपिस है, उसने बलात्कार करा लड़की का, बलात्कार करा है, वो आदमी नहीं है, बलात्कार है, वो बलात्कारी है। वो साथी में बोला जाता है गाड़ी में सिर्फ 2 लोग थे, क्या इसकी कोई पहचान हो पाई?
बताइए कि आखिर गाड़ी में कितने लोग? ये तीन लोगों ने अपने गौतम को आगे करके कराया। तीसरा कौन है सर? गौतम, ऋषि सांसी, विक्की सांसी और जॉनी सांसी, ये चार अब आरोपी हैं, ये मुख्य। पुलिस ने एक को पकड़ लिया है? नहीं पकड़ा जी इनको अभी। पुलिस गुमराह किया जा रहा है आपको? ये पुलिस को पैसा खिलाया जा रहा है, ये अभी तक फरार है आरोपी। मैम क्या कहेंगी, एक बच्ची को न्याय दिलाने के लिए लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, कैंडल मार्च निकालना पड़ रहा है, तो पुलिस का एक बार रोल देखने को मिल रहा है कि पुलिस इस पर क्या कर रही है? नहीं, पुलिस एक्शन ले रही है, लेकिन जिस तरीके से लेना चाहिए ना उस तरीके से नहीं ले रही है, क्योंकि यहाँ पे ना क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा मर्डर वगैरह हो रहे हैं। आप इनको देख लो, चाहे इधर हमारे बी ब्लॉक में भी हो गया, सी ब्लॉक में भी हो गया, तो इस तरीके से नहीं चलता ना, हर कहीं पे क्राइम ही क्राइम बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए कि जब तक आप कैंडल मार्च निकालोगे क्या तब तक पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी? हाँ जरूर, सारे के सारे पुलिस पर दबाव नहीं आएगा तब तक वो खुद से कुछ काम नहीं करेगी। हाँ सारे काम है ना, सारे मिलके अगर एक्शन लेंगे, सड़कों पे उतरेंगे तभी एक्शन लेंगे। यहाँ पर किसी ने सुनवाई नहीं करी, अगर देते तो आज इसको इंसाफ मिलता। दिन हो गए इस घटना को, क्या पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई? कार्रवाई अब पता नहीं, अब देखेंगे। पुलिस वाले उनके घर की रखवाली कर रहे हैं, लड़की का तो नहीं दी थी प्रोटेक्शन कोई। किसकी रखवाली? उनके घर की कर तो रही है प्रोटेक्शन, लड़की वालों की, लड़के के घर की प्रोटेक्शन कर तो रहे हैं वो। तो प्रोटेक्शन चाहिए थी उनको नहीं दी, लेकिन लड़की को तो नहीं दी थी, अब उनके घर को दे रहे, चार दीवारी के प्रोटेक्शन कर रहे हैं वो। जब तक फांसी नहीं मिलेगी अब तक वो बैठेंगे नहीं, उनको फांसी लगनी चाहिए। फांसी बाप ने विक्की ने करवाया, विक्की ने करवाया, बाप को पकड़ो, फांसी लगनी चाहिए बाप को। आपको लगता है पूरा परिवार मिला हुआ है? हाँ सारा हमारा परिवार सब आया, सारा परिवार सब कह रहे हैं कि विक्की को फांसी लगनी चाहिए। विक्की ने दो दो तीन तीन टाइम कराया, लड़की के संग और लड़के के संग वो करवाया उसने, दो उसके लड़के थे उसका भाई था, सारे इन्होंने मिलके मारा गाड़ी में। और विक्की लापता है, विक्की को फांसी लगनी चाहिए कहीं भी हो। पुलिस प्रशासन मैडम सो ही रही थी, इसी मारे तो अब कैंडल मार्च निकालना पड़ा हमारे को। क्या जब तक पुलिस पर प्रेशर नहीं आएगा तब तक सामने से वो खुद कुछ काम नहीं करेगी? हाँ नहीं कर रही ना मैडम, जब भी तो हमारे कैंडल मार निकालना पड़ा, हफ्ता हो गया गुड़िया के उसको। सवाल उठता है कि अभी भी दिल्ली में बेटियाँ सुरक्षित नहीं? हाँ जी, अंजुन की फैमिली को देख के मैडम ये सारा ये वो प्रोसीजर हो रहेगा। पहले मारा, आज से चार पाँच महीने हो गए, जब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं उठाया, अब बिल्कुल ख़त्म कर दिया मेरी पोती को। जब कोई एक्शन नहीं उठा रहे, आज 10 दिन हो गए मेरी पोती को मरे को, किसी पुलिस वाले ने अर्जेंट नहीं करा, खुले छुपे बैठे हैं। पुलिस का क्या काम है? मर्डर वाले को ढूंढना चाहिए, बलात्कार वाले को ढूंढना चाहिए, वो बैठी है आराम से सो रहे हैं। जिसकी हमारी जान के हलाल गई उनको कोई परवाह नहीं है। पुलिस वालों को डीएफसी समय हो गया इस घटना को। क्या ये कैंडल मार्च के लिए कोई नेता वगैरह आपके साथ नहीं जुड़े? नेता है हमारे साथ, हमारे आगे नेता, हमारे समाज के, उन्होंने एक्शन उठाया कि कोई पुलिस ने नहीं उठाया कि किसी बच्चे को पकड़े। वो आरोपियों को पकड़ा गया या नहीं? नहीं पकड़ा गया, उसका बाप नहीं पकड़े गए, भाई नहीं पकड़े गए, जब भी हमने ये करा है मजबूर होके। पुलिस बैठी है आराम से, पुलिस कोई कानून नहीं कर रही है, कोई नहीं पुलिस उठा रही है, आराम से बैठी है। किसी का बच्चा गया पुलिस को आराम से बैठी है, निस्बत खा के बैठी है, उनका मुंह भर दिया है। मैडम हम चाहते हैं सारी जनता के इंसाफ होना चाहिए, लड़की के साथ मर्डर का मतलब मर्डर ही होना चाहिए, इसको फांसी लगनी चाहिए। इतना समय हो गया अभी तक जो है आरोपियों को पकड़ा नहीं गया, नहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे अगर चलता रहा तो बेटियों को जो है देश में इंसाफ नहीं मिलेगा। हाँ जी मैम सच बात है, ये सच है, दिल्ली में बेटियाँ एक तरह से असुरक्षित है। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, इंसाफ मांगते मांगते तो वो लड़की मर गई। तीन पहले मैंने लड़की को इतना बुरा मारा चाकुओं से, जब पुलिस वाले ने उसको नहीं पकड़ा, अगर जब भी वो पकड़ा जाता तो आज वो लड़की जिंदा होती। बेचारी लड़की इंसाफ मांगते मांगते तो मर गई, हम क्या कर सकते हैं, आवाज़ ही उठा सकते हैं। बाकी हमारी आगे रबी नगर की पुलिस नाकाम है, निकम्मी है, कुछ नहीं करती है, पैसे खाती है, उसके लड़के के घर दारू बिकवाती रही, गांजा बिकवाती रही, और लड़का खुले आम घूमता रहा, लड़की दोबारा मार दी चाकू घोप घोप के, लड़की का दोबारा मर्डर करा। अगर इस तरीके से हाल रहा तो लोगों को आगे जाके इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। खुद ही जो अपराधी होगा उसको कोई घरवाला मारेगा और वो घरवाले बंद होंगे, यही होगा। पुलिस से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है कि पुलिस कुछ करेगी, पुलिस सिर्फ रिश्वत लेती है, लोगों को लड़ाइयाँ करवाती है, दारू बिकवा रही है, गांजे बिकवा रही है, खुले आम पुलिस के सामने सब कुछ हो रहा है। इसलिए हमें धरना उतरना पड़ रहा है रोडों पर, क्योंकि पुलिस को सुनी नहीं रही है, पुलिस को सुनी नहीं रही है। अगर सुनती पुलिस तो आज वो लड़की जिंदा होती, वो रोते रोते
गई, इंसाफ मांगते मांगते मर गई। कोर्टों के धक्के खाती रही उसकी माँ, थाने में धक्के खाती रही, पर यहाँ से यहाँ बेचारी को भगाया गया। आखिर वो लड़की मर गई इंसाफ मांगते मांगते, पुलिस वालों ने नहीं सुना, नहीं सुना। आज मेरा सीधा सवाल सरकारों से है और उन सरकारों से है जो सरकारें बोलती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज एक बेटी जो न्याय की गुहार में हिसार से लेके दिल्ली तक आज कहीं भी बेटियां सेफ नहीं है। हमारा मानना ये है अगर आज किसी नेता का अगर उसकी भाभी का अगर पर्स चोरी होता है तो 10 मिनट में दोषियों को ढूंढ लिया जाता है, लेकिन एक बेटी के दोषियों को अभी तक उसके परिवार को दोषी के परिवार जो दोषी परिवार है उन्हें कहीं भी अरेस्ट नहीं किया गया। घटना के बाद कानून व्यवस्था पर काफी बड़ा सवाल उठा कि आगे जाके लोगों को न्याय मिलेगा या नहीं। कानून व्यवस्था हमेशा सबके दायरे में रहती है, कानून अपना अगर सही से काम करता तो यह बेटी आज उनके बीच में उनके हाथों में होती। क्या बोलेंगे इस अपराध के बाद तो कानून व्यवस्था पर काफी बड़ा सवाल उठता है कि क्या आगे जाके लोगों को न्याय मिलेगा या नहीं। जरूर मिलेगा, अगर हम जनता जागरूक रहेगी तो इंसान मिलेगा। दिल्ली पुलिस से हम आग्रह करते हैं कि ऐसे क्राइम दोबारा ना हो और जिसने क्राइम करा जो भी इस क्राइम में लिप्त है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सर जब तक लोग मार्च में नहीं निकलेंगे, जब तक लोग कैंडल मार्च नहीं निकालेंगे तब तक क्या पुलिस जगेगी नहीं, तब तक पुलिस को होश नहीं आएगा कि उनको लोगों को न्याय दिला। मैं आपके माध्यम से दिल्ली पुलिस से कहना चाहूँगा कि ऐसा क्राइम दोबारा ना हो, जो बच्चे छोटे बच्चे नशे के जो नशा करने लगे हैं, जो नशा यहाँ बिक रहा है वो दिल्ली पुलिस नशे को बंद कराए, जिससे जो छोटे छोटे बच्चे जो गरीब घर के बच्चे हैं जो परिवार नशे में जो माँ बाप अपने बच्चे को छोटे से बड़ा होकर पालता है 12-14 साल में वो बच्चा इन छोटी छोटी कॉलोनियों में नशा करने लगता है, तो मैं दिल्ली पुलिस से यह आग्रह करूँगा कि जो भी नशे कारोबार कर रहा है उनको बंद करा जाए जिससे कि इस तरह के क्राइम ना हो सके। 50% क्राइम जो लोग बच्चे नशा कर रहे हैं उनके थ्रू जो क्राइम करते हैं वो उनसे करवा रहे हैं। मान्या को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सैकड़ों लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और 2 महीने पहले जो है मान्या पर जो है जानलेवा हमला हुआ था, मान्या के परिवार ने पुलिस में शिकायत भी करी, सुरक्षा की मांग करी, लेकिन पुलिस वालों ने उनको सुरक्षा नहीं दी और आज 2 महीने बाद जो है मान्या की जान ले ली गई। उसी संगी ने जो है मान्या की जान ले ली और अभी तक किसी भी आरोपियों को जो है पकड़ा नहीं गया। और यहाँ पर जैसे कि लोग गुस्साए हुए हैं और एक तरीके से जो है बेटियाँ कितनी सुरक्षित है दिल्ली में वो इसी से साफ तौर पर दिख रहा है। देखते हैं कि क्या मान्या को इंसाफ मिल पाता या नहीं, या फिर ऐसे ही लोग सड़कों पर उतरते रहेंगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अपटूडेट।